संगम नगरी प्रयागराज में साधना, समर्पण और संस्कृति के पर्व माघ मेला की शुरुआत सूर्य के उत्तरायण होने के साथ मकर संक्रांति से हो गई है। कोरोना काल में ये देश का सबसे बड़ा मेला है। इसमें लाखों श्रद्धालु संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। इस बार माघ मेला 14 जनवरी से शुरू होकर 11 मार्च तक चलेगा। इस बार मेले में हर श्रद्धालु को अपनी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट लानी होगी। घाटों पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्नान की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा और संक्रमण के खतरे को देखते हुए महिला हेल्प डेस्क और कोरोना हेल्प डेस्क बनाई गई है। कोरोना और बर्ड फ्लू के साए के बीच शुरू हो रहा इस बार का माघ मेला कई मायनों में बेहद खास है। इस बार ग्रहों और नक्षत्रों का विशेष संयोग मकर संक्रांति और मेले को खासा फलदायक बना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी अमले पर श्रद्धालुओं को कोरोना के संक्रमण से बचाने की बड़ी चुनौती भी है। मेले में इस बार 6 प्रमुख स्नान पर्व होंगे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मकर संक्रांति के दिन से ही कल्पवास शुरू कर देंगे, जबकि ज्यादातर श्रद्धालु और संत महात्मा 27 जनवरी को पौष पूर्णिमा से संगम की रेती पर धुनी रमाएंगे। समूची दुनिया में सिर्फ प्रयागराज में ही एक महीने का कल्पवास होता है, जहां रहकर लोग अपने लिए मोक्ष यानी जीवन मरण के बंधन से मुक्ति की कामना करते हैं। इस बार माघ मेले में 6 प्रमुख स्नान होंगे। इसकी शुरुआत 14 जनवरी को मकर संक्रांति से हो चुकी है। इसके अलावा 28 जनवरी को पौष पूर्णिमा, 11 फरवरी को मौनी अमावस्या, 16 फरवरी को वसंत पंचमी, 27 फरवरी को माघ पूर्णिमा और फिर 11 मार्च को महाशिवरात्रि के स्नान के साथ मेले का समापन होगा। संगम तट पर हर साल लगने वाले माघ मेले में करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। तकरीबन 5 लाख साधु संत और श्रद्धालु यहां अस्थायी निवास बनाकर मकर संक्रांति से महाशिवरात्रि तक रहते हैं, जिन्हें कल्पवासी कहा जाता है। लेकिन इस बार माघ पूर्णिमा तक ही कल्पवास की छूट दी गई है, इसीलिए इस बार कल्पवास सिर्फ 45 दिन का ही हो पाएगा। इस बार माघ मेला कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार कराया जा रहा है, इसीलिए श्रद्धालुओं, कल्पवासियों और साधु संतों को कोविड की नेगेटिव जांच रिपोर्ट के आने के बाद मेले में प्रवेश मिलेगा। उन्हें अधिकतम 3 दिन पुरानी RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगी। प्रशासन का अनुमान है कि इस बार 3.5 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज आएंगे। मेला क्षेत्र में कोरोना की गाइडलाइन को पूरा कराने के लिए सभी तैयारियां की हुई हैं। सभी तीर्थ पुरोहितों से आने वाले कल्पवासियों का ब्योरा लेकर इसे वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। मेले में हर साल की तरह इस बार 5 पांटून ब्रिज, 70 किलोमीटर चेकर्ड प्लेटें बिछाई गई हैं। कोरोना को देखते हुए 16 पॉइंट्स बनाए गए हैं। हर जगह पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात है। मेले में बिजली, पानी और स्वच्छता के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।